हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं टैबलू में मेजर्स की कैलकुलेशन क्या होती है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे वीडियो में हमने बताया कि किस तरीके से आप एक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्मूलेज हमने बताए कि इसमें अप्लाई की जाती है। लेकिन कुछ फॉर्मूलेज हमने छोड़ दिए क्योंकि उसमें हमें यूज करना था मेजर्स को। मेजर्स में यूज होता है, जैसे हमें टोटल मान लीजिए ना कि हमें यहाँ पे एक ए निकालना है कि कितने का नंबर ऑफ बिल जनरेट हुए, और मुझे जस्ट इस निकालना है कितने नंबर ऑफ बिल जनरेट हुए हमें अपने अपने डैशबोर्ड में शो करना है। तो हम यहीं पे जो है जो आपका SID के ऊपर करना है ना, हमें काउंट करना है CID या SID जो भी आपके ऊपर है उसके ऊपर काउंट करना है। हम यहाँ पे क्रिएट में कैलकुलेटेड फील्ड, अब यहां पे हम दे देते हैं कि टोटल बिल हेडिंग, और फिर यहां हम काउंट का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि काउंट का फॉर्मूला काउंट पे हमने कर दिया CID एंड अप्लाई करते। तो आप यहां पे देखेंगे ओके करते हैं। अब इस काउंट वाले फॉर्मूले को उठा के टोटल बिल जो है यहां पर रख देते, एक छोटा सा दिख रहा है C21 ऊपर हेडिंग है। यहां पे आप चेंज कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बिल, देखिए भाई छोटा है तो इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पे दिख रहा है डिफॉल्ट वर्कशीट वगैरह, लेकिन यहाँ फील्ड पे आइए, फील्ड में हम यहाँ पे टोटल बिल को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है कि फॉन्ट क्या होगा, फॉन्ट की साइज क्या होगा, फॉन्ट का कलर क्या होगा, क्या बोल्ड होगा या अंडरलाइन होगा, यहाँ से कर सकते, या फिर आप यहां से भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि भाई कुछ और इसमें नीचे लिखना चाहते हो। कुछ और देना चाहते हैं इसकी साइज यहां से भी आप बढ़ा सकते हो, दोनों तरह से आप इसको बढ़ा सकते हो। अप्लाई देन अब यहां पे एक चीज और आती है कि हमने यहां पे इसको इस तरह से सेंटर कर देंगे, सिलेक्ट कीजिए सेंटर कर देते हैं, सेंटर कर दीजिए एंड अप्लाई। अब प्रॉब्लम ये यहां पे दिख रहा है, मुझे इसके बीचों बीच दिखाना या कहीं और, यहां पे भी चल सकता है। अब इसको बीचों बीच भी कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहां रखना है। अब देखिए डैशबोर्ड में इसको एक बार उठा के हम रखते हैं, फॉर्मेटिंग यहां से हटाते हैं और यहां से C2 को रखते हैं, तो कैसा दिखता है, इस तरह का दिख रहा है। अब मान लीजिए दूसरे में मुझे यहां पे टोटल रेवेन्यू दिखाना है, तो उसके लिए भी हम यहां जो हमारा रेवेन्यू है मतलब कि टोटल है, इस टोटल पे आते हैं या जी टोटल पे आते हैं और यहां पे क्रिएट फील्ड पे जाते हैं। टोटल रेवेन्यू और यहां पे इसको हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सम है और फिर इसको यहां से लाइक ओके एंड टोटल रेवेन्यू को हम यहां रखते हैं। और जैसे कि हमने यहां पे सीट यहां पे जो भी हेडिंग देना चाहे दे सकते हैं, और इस पे भी आप यहां पे भी आप यहां से भी हम यहां से कर देते हैं। यहां से आप सबसे पहले तो यहां पे INR कर देते हैं और इसको अंडरलाइन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज को 20x36 कर देता हूं। और फिर कलर चेंज करना है, इसको कलर में हम ब्लू कर देते हैं एंड अप्लाई एंड ओके। अब मैं वापस
सी टू को यहां पे रखता हूं। थोड़ा सा डिवाइस की जो ये है हमारा साइज है डिवाइस की, वो विड्थ को बढ़ाते क्योंकि मोबाइल का साइज ले रखा है इस तरह से। ये नीचे तक दिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखिए इतना इतना एरिया छोटा हुआ है। तो एक बार हम सीट वन में आते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा हाँ इसको यहाँ कर देंगे तो एरिया कम जाता है। अब इसमें जो तीसरा हमें देना है, वो तीसरा देना है, तीसरी सीट इंसर्ट करता हूँ मैं, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि अब इसमें हमने दो अलग काउंट और सम का फॉर्मूला लगाया, अब मैं कोई फॉर्मूला नहीं इन दोनों को डिवाइड करना चाहता। तो हम अब यहाँ से किसी फील्ड पे कैलकुलेट फील्ड करते थे, आप यहाँ एनालिटिक्स में आके भी कैलकुलेट क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने दिया कि अमाउंट और सेल्स, और यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल बिल। अप्लाई यहाँ पे कैलकुलेशन वैलिड आ गया, अप्लाई। तो इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बोल दिया अमाउंट फ्रॉम वन, और इसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। और यहां पे आई एन आर इसकी जो साइज है मैं बढ़ा देता हूं, यहां से बोल्ड कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं, कलर स्कीम में रेड कर देता हूं। अब इसमें एक चीज है कि यहां पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड में हम यहाँ पे एंटायर व्यू पे क्लिक करते हैं, एक मिनट हो जाएगी, हम यहाँ इसको फिट टू विड्थ, लेकिन साइड में चला जा रहा लास्ट में, तो इसके लिए एक है कि आप इसकी फॉर्मेट पे चले जाए और इसमें फिल, और फिल में हमें अलाइनमेंट में ऑटोमेटिक के जगह पे हमें इसको सेंटर कर देना। यहाँ पे मैं फिट टू विड्थ बीच में आ गया, फिट टू हाइट बीच में आ गया, एंटायर व्यू यहाँ पे दिखेगा। तो अब अगर मैं सीट थ्री को डैशबोर्ड पे यहाँ पे डैशबोर्ड पे यहाँ डालता हूँ तो कुछ इस तरह का डेटा दिखेगा। अब यही फर्क पड़ता है अलाइनमेंट से, तो आप जो है क्या इस तरह के अलाइनमेंट चाहते हैं तो इस तरह की अलाइनमेंट यूज करें, नहीं आपको अलाइनमेंट कोई और चाहिए तो कोई और यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सीट थ्री में एक मिनट स्टैंडर्ड पे आता हूं, एंटायर व्यू के जगह पे यहां भी यहां से भी स्टैंडर्ड कर सकता हूं, और इसके बाद जो है अब उसके बाद कुछ और, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक डेट वाइज मुझे यहाँ पे डेट, और उसके बाद हमने यहाँ पे सेल्स दे दिया क्वांटिटी, ईयर है हम यहाँ पे ईयर की जगह पे मंथ क्वार्टर कर दिया, क्वार्टर की जगह पे मंथ कर दिया, कुछ इस तरह का सेल आया। अब इसको अब यहाँ सोमी पे हम आते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं एरिया चार्ट, ये बाकी चार दो को नहीं होगा क्योंकि ये चार्ट इसी पे फर्क पड़ता है, इस पे चलते हैं। अब इस एरिया चार्ट को डैशबोर्ड वर्ड में हम डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ पे रख रहा है तो इसी के अंदर आएगा, यहाँ आ रहा है इसी के अंदर आएगा तीनों पे, लेकिन थोड़ा सा इधर आए कर्सर को मूव करेंगे तो पूरा पे आएगा इस तरह। लेकिन एक काम है, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं वर्टिकल
यहाँ पर उठा कर रख सकते हैं, अगर दिक्कत है यहाँ पर उठा कर रख दीजिए और फिर इसमें शीट 3 को उठा कर रखिए, तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा इस तरह से। अब इसकी जो बैकग्राउंड है, मैं एक बार आता हूँ इसमें डैशबोर्ड की फिल्टर में, या पूरी के पूरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं डेस्कटॉप, हाँ डिवाइस प्रीव्यू होता है डेस्क, क्या कौन सा प्रीव्यू आपका है, यहाँ से पूरी की पूरी फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक, पूरी फ्रेम को यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं और फॉर्मेट पे आते हैं, इसकी बैकग्राउंड को हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का कर देते, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, लाइट करते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड हाइट टाइटल, टाइटल को हाइट कर दिया। इसकी फॉर्मेट है, इसका जो डिफॉल्ट एक मिनट, ये पूरा होता है, हाँ तो ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं इसी तरह की चीज़ों के लिए करते हैं, तो आगे भी हम कैलकुलेशन पे बातचीत करेंगे और डैशबोर्ड में कैलकुलेशन कैसे इस्तेमाल है हम आगे आगे क्लासेस में बताएंगे, तब तक के लिए।